हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे बजाज पल्सर N150 BS6 FI 2023 मॉडल के साथ न्यू यामा R15 BS6 FI 2023 का मॉडल। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इन दोनों बाइक का फीचर और डिसाइड कर लेते हैं कौन सा सबसे बेटर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले फीचर देख लेते हैं न्यू लॉन्च बजाज पल्सर N150 का। इसका टॉप स्पीड 115 kmph, एक शोरूम प्राइस 1,18,000 इन डेली, मैक्सिमम पावर 14.5 पीएस 8,500 आरपीएम पर, मैक्सिमम टॉर्क 13.5 एनएम 6,000 आरपीएम पर, माइलेज 48 kmpl इन ओवरऑल रोड्स, कार वेट 145 केजी, फ्रंट ब्रेक है डिस्क और इसका रियर ब्रेक है ड्रम। बाइक का इंजन 149.68 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक BS6 फ्यूल इंजेक्टेड किक एंड सेल्फ स्टार्ट इंजन, सीट बहुत ही कंफर्टेबल, सीट हाइट 790 mm, फ्यूल टैंक डिज़ाइन अच्छा है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर फ्यूल। अगर मीटर को देखा जाए इसका स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिपोमीटर एंड टैकोमीटर डिजिटल। बाइक में USB मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। फ्रंट लुक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, फ्रंट लाइट प्रोजेक्टर लाइट के साथ आता है और इसके साथ आपको ऑप्शन में LED DRL ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम टेलीस्कोपिक 31 mm ट्रैवल, फ्रंट टायर ट्यूबलेस वेल एंड ग्रिप डिज़ाइन, फ्रंट टायर साइज 90x90 एंड 17 inches अलॉय व्हील, बैक लाइट डिज़ाइन अच्छा है और LED लाइट के साथ आता है, रियर टायर भी ट्यूबलेस वेल एंड ग्रिप डिज़ाइन के साथ आता है, रियर टायर साइज 120x80 एंड 17 inches अलॉय व्हील, रियर सस्पेंशन सिस्टम मोनोशॉक सस्पेंशन और एडिशनल फीचर में आपको मिल जाएगा गियर इंडिकेटर। दोस्तों अब देख लेते हैं यामा R15 का फीचर। इसका टॉप स्पीड 155 kmph, एक शोरूम प्राइस 1.812-1.94 lakh इन डेली, मैक्सिमम पावर 8.4 पीएस 10,000 आरपीएम पर, मैक्सिमम टॉर्क 14.2 एनएम 7,500 आरपीएम पर, माइलेज 54 kmpl इन ओवरऑल रोड्स, कार्गो वेट 142 kg, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर फ्यूल, इंजन 155 cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 4 वाल्व सेल्फ स्टार्ट इंजन, रियर टायर ट्यूबलेस ऑयल एंड ग्रिप डिजाइन, टायर साइज 140x70 एंड 17 इंचेस का अलॉय व्हील, सीट बहुत ही कंफर्टेबल, स्प्लिट सीट, सीट हाइट 815 mm, फ्यूल टैंक डिज़ाइन अच्छा है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर फ्यूल, रियर सस्पेंशन सिस्टम लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फॉर्क दैट मीन USD, फ्रंट टायर ट्यूबलेस ऑयल एंड ग्रिप डिज़ाइन, फ्रंट टायर साइज 100x80 एंड 17 इंचेस का अलॉय व्हील, फ्रंट लाइट डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और LED लाइट के साथ आता है। अगर मीटर को देखा जाए स्पीडोमीटर डिजिटल, ट्रिपोमीटर डिजिटल, ऑडोमीटर डिजिटल एंड फ्यूल गॉज भी डिजिटल। एडिशनल फीचर में आपको मिल जाएगा पोजीशन लाइट, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच, डुअल हॉर्न, गियर पोजीशन इंडिकेटर, शिफ्ट टाइमिंग लाइट, VVA इंडिकेटर एंड VVA। दोस्तों ये था दोनों बाइक का फीचर एंड कंपेयर। दोस्तों दोनों बाइक की फीचर में मुझे तो अच्छा लगा यामा R15 का फीचर। दोस्तों आपको कौन सा बाइक अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।